एंड 2021 न्यू ईयर आ गया है लेकिन न्यू ईयर की शुरुआत हुई है एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार न्यूज़ से एंड वो न्यूज ये है कि फोर्ड एंड महिंद्रा का जो जॉइंट वेंचर था वो अब टूट गया है दोनों कंपनीज उस जॉइंट वेंचर को परस्यू नहीं करेंगी 2019 अक्टूबर में फोड एंड महिंद्रा का एक ज्वाइंट वेंचर जिसमें कि जो इंडियन ऑपरेशन है फोर्ड के उनमें 51 वन परसेंट स्टेक था महिंद्रा का एंड 49 नाइन परसेंट स्टेक था खुद फोर्ड का अब इस जॉइंट वेंचर में होना क्या था कि जो व्हीकल्स डिवेलप करने थे वो फोर्ड एंड महिंद्रा ने को डिवेलप करने थे इंजिन महिंद्रा के ही यूज किए जाते एंड जितनी भी मार्केटिंग डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन थी ना फोर्ड कार्स की वो होनी थी महिंद्रा के थ्रू एंड फोर्ड के पास सिर्फ रहना था फोर्ड मोबिलिटी फोर्ड क्रेडिट एंड जो सानंद गुजरात में फोर्ड का इंजन मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो फोर्ड ने रिटेन करना था तो दोनों कंपनी ने सजेस्ट किया है कि कोविड की वजह से बिजनेस स्ट्रैटेजीज में चेंजेस आए हैं एंड ये पार्टनरशिप ये जॉइंट वेंचर को अब आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा तो ये फोर्ड फैंस के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि फोर्ड uh, इंडिया अब एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर ही ऑपरेट करेगी इंडिया में जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है फोर्ड ने अपने ऑपरेशंस सेल आउट नहीं करे हैं महिंद्रा को तो मतलब बेसिकली जो स्पेकुलेशन लोग लगा के बैठे हुए थे ना कि फोर्ड इंडिया को अब छोड़ के जा रही है वो स्पेकुलेशन हालांकि वो स्पेकुलेशन गलत थी तो वो स्पेकुलेशन अब कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो चुकी है फोर्ड इंडिया को नहीं छोड़ के जा रही अगर आप ऐसा सोचते थे वैसे भी फोर्ड इंडिया छोड़ के नहीं जा रही थी सिर्फ वो एक जॉइंट वेंचर में एंटर करी थी एंड अब तो वैसे ही कन्फर्म हो गया है कि फोर्ड एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर फोर्ड इंडिया के नाम से इंडिया में ऑपरेट करेगी तो ये फोर्ड फैंस के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है अब जो चीजें रहती हैं वो ये है कि जो फोर्ड का एस था महिंद्रा एस यू पर बेस्ड वो क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी हो चुका है उसके डिजाइन भी लीक हो चुके हैं कहीं कहीं तो क्योंकि उसकी डेवलपमेंट काफी ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है तो वो तो महिंद्रा ही बना के देगी है फोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होएगी तो फोर्ड महिंद्रा से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये एस बनवाएगी एंड अपने डी यानी कि गुड टू ड्राइव एंड सॉलिड क्वालिटी जो ऑफर करते हैं फोर्ड वाले वो डी उन कार्स में इंड्यूस करके वो आपको बेचेंगे लेकिन स्पेक्यूलेशन अब ये है कि जो आने वाले प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़रूर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फोर्ड के खुद के ही होंगे विद देयर ओन द्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म एंड ऑल एंड ये थोड़ा सा जायज़ भी है क्योंकि फोर्ड के लाइनअप में जो कमी थी वो थी अब सिर्फ एक एस की यानी कि जो एस यू करेगा क्रेटा टाटा हैरियर एम जी हेक्टर वाले सेगमेंट में सिर्फ उसी की बेसिकली कमी थी छोटी कार्स यानी कि जो हैचबैक्स एंड कॉम्पैक्ट एंस सेगमेंट है उसमें ऑलरेडी फोर्ड इज आउट परफॉर्मिंग महिंद्रा तो उसमें वैसे भी फोर्ड को जरूरत नहीं है ज़्यादा कि वो महिंद्रा के ऊपर रिलाई करे बस बेसिकली ये है कि मार्केटिंग अगर अब आने वाले फीगो एस्पायर एंड फ्री स्टाइल की अगर फोर्ड अच्छी तरह उनकी मार्केटिंग करे एंड डिज़ाइन लैंग्वेज डिज़ाइन लैंग्वेज अगर फोर्ड ने अच्छी निकाली उन कार्स की तो वो एक ह्यूज सक्सेस होंगे जस्ट लाइक द फर्स्ट जनरेशन फी एस्टा एंड फर्स्ट जनरेशन फीगो जो कि ब्लॉकबस्टर सेलर्स थे तो ये जरूर मैं सजेस्ट करूंगा फोर्ड को कि अब जो एटलीस्ट के प्रीमियम हैचबैक हैचबैक एंड कॉम्पैक्ट सेगमेंट है उन कार्स के डिजाइन एटलीस्ट वो अच्छे मॉडर्न और स्ट्राइकिंग निकालें एंड उनकी मार्केटिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी मार्केटिंग वो अच्छी तरह से करें ताकि वो ब्लॉक बस कर हिट्स हो क्योंकि पोटेंशियल बहुत है इन कार्स में सॉलिड रिलायबल चीप टू मेंटेन गुड टू ड्राइव फ्यूल एफिशिएंट भी हैं ये कार्स बट स्किल जितना पोटेंशियल है उतनी सेल्स ये कार नहीं जनरेट कर पा रही है तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर डिज़ाइन और मार्केटिंग थोड़ी अच्छी कर ले फोर्ड वाले तो ज़रूर इन कार्स को काफ़ी ज़्यादा वेल डिजर्व सक्सेस मिलेगा तो कमी जो थी फोर्ड के लाइनअप में एक मिड साइज एस की वो महिंद्रा के थ्रू पूरी हो रही है एंड जो नेक्स्ट जनरेशन इको स्पोर्ट है उसकी भी डेवलपमेंट कॉस्ट फोर्ड ने सेव कर लिया है क्योंकि बेसिकली स्पेकुलेशन यही है कि वो करंट महिंद्रा एक्सयूवी 3डब्ल्यू0 पर ही बेस्ड होगी विद इंजंस एंड द प्लेटफॉर्म शेयर्ड विद महिंद्रा ओनली तो ये दो कार्स की डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो जरूर फोर्ड ने बचा ली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अब ये गाड़ियां सोर्स करेगी फोर्ड महिंद्रा से और जो दूसरी चीज फोर्ड ने बोली है ना वो ये है कि अब वो फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अंडर द 2500 होमोलोगेशन फ्री रूल जैसे कि फोर्ड फोकस फोर्ड फोकस एस टी फोर्ट रेंजर रैप्टर तो जहां ऐसे ऐसे एस यूवीज तो जहां ऐसी ऐसी कार्स इंपोर्ट करी जाएंगी फोर्ड द्वारा इंडिया में तो वही दूसरी तरफ फोर्ड ने ये भी बोला कि अब उनका फोकस ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिवेलपमेंट पर इंडिया में तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारे ईवीज भी देखने को मिले फोर्ड की तरफ से जैसा कि फोर्ड ने बोला है एंड धीरे धीरे स्पेक्यूलेशन ये भी है कि फोर्ड जो उनका लिंकन लग्जरी ब्रांड है ओवरसीज कंट्रीज़ में उन उस लग्जरी ब्रांड को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि फोर्ड ने लिंकन ब्रांड नेम को इंडिया में पेटेंट करा लिया था तो ऑल एंड ऑल ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है कि फोर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी ही इंडिया में ऑपरेट करेगी क्योंकि इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो आफ्टर सेल्स कॉस्ट का और स्पेयर पार्ट कॉस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है महिंद्रा में तो उस चीज़ से फोर्ड ने खुद को सेफ कर लिया है हालाँकि जो बी और सी एस हैं जो कि एक्स यू वी फाई डबल ओ पे बेस गया जो नेक्स्ट जनरेशन इको स्पोर्ट है हालांकि उनके स्पेयर्स ज़रूर मेरी स्पेकुलेशन ये है कि महिंद्रा के स्पेयर पार्ट जितनी ही उनकी कॉस्ट होएगी डेफिनेटली होएगी क्योंकि जब गाड़ी ही महिंद्रा ने बनाई है ऑलमोस्ट सारी लेकिन हो सकता है कि जो रेगुलर मेनटेनेंस है रेगुलर सर्विस है जो कि फोर्ड की अब बहुत ही ज़्यादा सस्ती है तो वो ज़रूर आपको उतनी ही सस्ती एंड उतनी बढ़िया मिलेगी तो फोर्ड के लिए एटलीस्ट ये काफ़ी विन विन सिचुएशन है एंड मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो इस चीज़ को कैपिटलाइज ज़रूर करेंगे एंड अब जो एटलीस्ट मार्केटिंग है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को तो ज़रूर वो इम्प्रूव करेंगे ताकि जो कैश फ्लो है वो उतना जनरेट होना स्टार्ट हो जाए जितना कि फोर्ड की कार्स डिज़र्व करती है तो ये थी हमारी आज की वीडियो अ, आपके क्या थाट्स हैं इस जेवी के टूटने के बारे में वो आप कॉमेंट्स में जरूर मुझे बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सी यू अगेन